नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी में जा सकते हैं। जी हां, ये बड़ा खुलासा, नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं। कभी भी ये बिहार की राजनीति पलट सकती है। सियासी दाव पेच बहुत जोरों पर जारी है और ये खुलासा हो गया है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ फिर से जाने को लेकर साठगांठ कर रहे हैं। और इसके लिए एक बड़ा नाम सामने आया है। ये बड़ा नाम है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का। कहा जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में हैं। लगातार इस पर बातचीत हो रही है, लगातार कि आखिर कैसे फिर बैक किया जाए बीजेपी में। ये बात कोई और नहीं बल्कि उनके काफी करीबी माने जाने वाले राजनीतिक सलाहकार और आजकल जन सुराज यात्रा पर है। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बातें कर रहा हूं। उन्होंने एक सभा में, मोतिहारी की एक सभा में, खुलेआम मंच से कहा कि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। और ये पलटी मारने वाले इसलिए हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। इसीलिए वो अभी भी राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। उन्हीं के माध्यम से बीजेपी के साथ साठगांठ करने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कई प्रकार के आरोप लगाए, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था यह आदमी, 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब CA NRC आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर CA NRC नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज CA NRC का लाइन लगाकर आप फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है, और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकलेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए। स्थिति उससे बदलेगी, और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। आप पर निर्णय छोड़ते हैं। अब दो बात अंतिम, कि आपकी नजर में बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि अगर ये एनडीए से अलग हो गए हैं तो राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को क्यों बनाए रखा है, वो तो जदयू के नेता हैं, तो उन्हें भी वहां से हटा लेना चाहिए था। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का बिल पास कराने के लिए ये समर्थन कर रहे हैं।
और उन्हीं के माध्यम से लाइजनिंग भी कर रहे हैं, और इधर बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बना करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो ये दोहरा जो ये इनका एक्टिंग चल रहा है नीतीश कुमार का, ये जनता जान चुकी है। अगर आप एनडीए से अलग हो चुके हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर आप एनडीए से अलग हो चुके हैं तो फिर राज्यसभा में उपसभापति को क्यों छोड़ रखा है, उस पद से भी हटवाइए या फिर अपने सांसद को वहां से हटाइए। तो आप वहां पर राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को छोड़ करके बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बिल पास कराने में अपना उनका सहयोग कर रहे हैं, और इधर आप बिहार में बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हुए हैं। तो ये दोहरा जो राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, दोहरा राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता जान चुकी है। प्रशांत किशोर पूरे लबोलुआब में थे और पूरे तरीके से नीतीश कुमार को कह रहे थे किसे कि हमें कहा जाता है कि मैं बीजेपी का पार्ट टू हूं। तो आप क्या हो बताओ, आप सीए एनआरसी की जब बात आई थी, बंगाल जाकर के किसने बीजेपी को हराया था? अगर वो दिन नहीं होता, नहीं आता, मैं नहीं हराता, तो आज आप लोग लाइन में खड़े होकर सीए एनआरसी के लिए फॉर्म भरे होते। तो बताइए कि कौन सच बोल रहा और कौन झूठ बोल रहा। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, बड़ा खुलासा यह किया कि कभी भी सिनारियो बदल सकता है, कभी भी नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर थे। अब देखने वाली बात होगी कि जदयू की ओर से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है प्रशांत किशोर के इस बयान पर। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।